बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम एक बड़ी क्विक सी एक वीडियो बनाएंगे और यह पुलाव की रेसिपी मेरे घर में यूजली बनता है और ये सिंपल सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो मैंने दो मीडियम साइज़ के जो है वो प्याज ले लिए हैं और फिर हम इनको घी या ऑयल के अंदर ब्राउन करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप घी या ऑयल ले लें, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और मैं जो पुलाव का कलर थोड़ा डार्क पसंद करती हूँ तो जो प्याज है मैं इनको थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउन करूँगी। आप जैसा कलर पसंद करते हैं आप उस हिसाब से जो है प्याज को ब्राउन कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने लिए है 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून मिर्चें, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सूखा धनिया। तो यहाँ पर हमारे थोड़े से प्याज ब्राउन हो चुके हैं और थोड़े से नहीं हुए वो भी होंगे, हो रहे हैं बल्कि। और जी यहाँ पर जो है हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें ये डाल देंगे और फिर जो है हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि जो प्याज इसके साथ लगा हुआ है वो उतर जाए, मिर्चें वगैरह। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे प्याज जो हैं वो कैसे ब्राउन हुए हैं डार्क, और हम इसको मिक्स करेंगे। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डालूंगी और हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन, और हमने इसमें चिकन डाल दिया है तो चिकन को हम भूनेंगे। भूनने उसके साथ जो है हम डालेंगे आलू, और हमने यहाँ पर आलू डाल दिए हैं। हम इसको भी मिक्स करेंगे इसके साथ। और ये पड़े हुए चावल, इसके बाद हम डालेंगे चावल, और हमने इनको भिगोया हुआ है पानी में। तो हमने चावल डाल दिए हैं और हमने थोड़ा सा नमक भी डाला है, तो आप अपने हिसाब से ज़रूरत जो है वो पानी डालें। पानी जब खुश्क हो जाए तो उसके बाद आपने इसको 15 मिनट पर हल्की आंच पे जो है वो दम लगा देना है, हल्की आंच पे दम लगाना है 15 मिनट के लिए। और जी इसके साथ मैं बनाऊंगी सैलेड। दो खीरे हैं, दो लेमन है और एक जो है वो टमाटर है। और मैंने यहाँ पर बना लिया है सैलेड, आप देख सकते हैं। तो जी हमारे चावल तैयार हो गए हैं और साथ सैलेड भी तैयार हो गया है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।